पीजी ग्रेटर नोएडा अल्फा 2 295 में गर्ल्स पीजी के नाम पर चल रहा धंधा आखिर क्यों? हैप्पी पीजी ग्रेटर नोएडा अल्फा 2 295 आखिर क्या है सच्चाई? गर्ल्स पीजी में लड़के आखिर क्या करने आते हैं? आखिर पुलिस के मना करने पर पीजी का मालिक हैप्पी क्यों नहीं मान रहा? आखिर हैप्पी पीजी में 7 जून को रात 1:40 पर क्यों आई थी पुलिस? यूपी 100 में आपका स्वागत है। हेलो, कृपया 7 दबाएं। वेलकम टू यूपी 100, प्लीज प्रेस 7 फॉर पुलिस असिस्टेंट। नमस्कार शुभारम। नमस्कार मैम, सर से मैम मैं आपका अल्फा पीजी में हूँ। अल्फा गर्ल्स पीजी में इन्होंने, मैं 8-10 दिन पहले शिफ्ट हुई थी, इनने ना मेरे को ना ऐसे बोला कि तो मतलब गर्ल्स पीजी है ऐसे करके बोला, और उसके बाद से ना मेरे को ना मतलब यहाँ पे बॉयज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहा हूँ मैम। मुझे अब यहाँ से करना है, यहाँ ऑनर मुझे बहुत परेशान कर रहा है, कभी भी गर्ल्स रूम में आ जाता है, इसने मेरे नंबर किसी को दे दिया है। कौन परेशान कर रहा है? ऑनर परेशान कर रहा है, उसके बंदे परेशान कर रहे हैं, बॉयज को उसका मैसेज एक में कर दिया है। मैम आई एम नॉट सेफ हियर, प्लीज आप पुलिस वाले को भेज दो। मकान मालिक है, परेशान कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, और उसके बंदे भी परेशान कर रहे हैं, उसने मेरा नंबर किसी को दे दिया है, मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी, मेरे को फोर्स कर रहा है बात करने के लिए, मेरे पास सारी स्क्रीन शॉट है मैम। प्लीज मैम मैम मैं अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ, प्लीज आप पुलिस वाले को भेज दो। लाइन पे रहिए, कॉल मत काटिएगा। हाँ जी मैम, एड्रेस नोट कर लो, F295 अल्फा 2 295 F295 F ब्लॉक F DEF होता है ना, F295 अल्फा 2 नियर मेन मार्केट ग्रेटर नोएडा हैप्पी पीजी। हाँ जी अल्फा 2 ग्रेटर नोएडा क्या बता रही है? अल्फा नियर मेन मार्केट हैप्पी पीजी। हैप्पी पीजी? हाँ जी हाँ जी, इसने मेरे पैसे भी वापस नहीं कर रहा है कि मैं खाली करूं। जिला गौतम बुद्ध नगर है, सूरजपुर थाना है ना वहाँ का? पता नहीं मैम, मैं 8 दिन पहले शिफ्ट हुई हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसने पैसे भी वापस नहीं कर रहा। ये थाना आपका, जिला आपका गौतम बुद्ध नगर ही है ना? मैम नहीं पता मेरे को, मैं 8 दिन पहले शिफ्ट हुई हूँ, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, अपना अपना नाम बताइए। अंजलि चावला जी? अंजलि चावला, अंजलि चावला मैम। अंजलि चावला? हाँ जी हाँ जी, मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारेयां नूं, आप देख सकते हो अभी रात के 10:48 हो रही है, रात के 10:48। मैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में अल्फा 2 हैप्पी पीजी, जो कि शर्मा जी का है, शर्मा नाम बाहर प्लेट लगा हुआ है, और ये हैप्पी नाम है इसके पीजी की ऑनर का, हैप्पी पीजी में रहती है। अभी मैं आपको इसका बाहर से भी दर्शन कराती हूँ, जिससे आप लोग साफ साफ पहचान सकें। जी आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा रूम, आप देख सकते हो ये मेरी रूममेट की बेड, ये मेरी बेड, स्कूलर से आपको कुछ याद आया? उनके साथ मैं बता दूं कि सिर्फ इनके बॉयज़ पीजी के ही लड़के नहीं, और भी पता नहीं कई तरीके की लड़कियां हैं ग्रेटर नोएडा में, जो इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं, और वो भी आते रहते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, वो मैं सारी रिकॉर्डिंग आपको सेंड करूँगी। अभी सिर्फ 10-12 दिन पहले 7 जून की रात 1:40 का बात है, इन्होंने मेरे को इतना परेशान किया, इतना ज़्यादा परेशान किया, मेरा नंबर एक गैर लड़के को दे दिया जो बार बार मुझे परेशान करता था, और उसके बाद से ये भी मेरे को कॉल कर रहे थे,
मैं आपको 7 जून का पूरा स्क्रीनशॉट दूंगी। इनके 20 से 25 कॉल मेरे पास आए हैं और ना रिसीव करने के बाद भी बार बार आए हैं और पीजी के दूसरे लड़के से भी करवाए गए हैं। अब एक बात बताइए, एक लड़की क्या करेगी, कहाँ जाएगी इस कोरोना में। मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाती हूँ, मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, आप देख सकते हो 4.4 आई विल शो यू दैट हीमोग्लोबिन, जस्ट शो माई नेम, आपको मेरे नाम दिखाई दे रहे होंगे और मैं अब आपको रिपोर्ट दिखा रही हूँ 4.4, इसमें आपको साफ नज़र आ रहा है 4.4 वे 4.4 हीमोग्लोबिन इज जस्ट 4.4, 4.4 पे सीधा यूनिट चढ़, आप देख सकते हैं, आप पे यहाँ पे देखिए 4.4 हीमोग्लोबिन। आप ये मेरा पूरा रिजल्ट देख सकते हैं, मैं काफ़ी, हाँ जी आप देख सकते हैं, आप रिपोर्ट आपको पूरी साफ साफ नज़र आ रही है, पूरे साफ साफ आप रिपोर्ट मेरी देख सकते हैं, जो कि आप हीमोग्लोबिन सीधा 4.4 है इसमें और सीधी यूनिट चढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन कोरोना के वजह से अभी मेरे को इंजेक्शन वगैरह दिया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं मेरे को इंजेक्शन लगने की वजह से मेरे हाथों की हालत क्या है, इस हाथ को भी आप देख सकते हैं, हीमोग्लोबिन की मुझे इंजेक्शन लग रही है। और उसके बाद इनका क्या सीन है, इन्होंने मेरे को बोला कि आपको कोरोना है, कोरोना का टेस्ट करा कराओ। कैलाश हॉस्पिटल से मैंने कोरोना का टेस्ट कराया, मैं रिपोर्ट ऐड करूंगी वीडियो में, जो कि निगेटिव आया, आप ये देख सकते हैं। रिसिपेंट रहा लाइब्रेरी का, कैलाश हॉस्पिटल का, जो कि सेक्टर 27 में है, हार्ट स्पेशलिस्ट, और मैं अपनी रिपोर्ट भी ऐड करूंगी, जो कि आप देख सकते हैं निगेटिव आया हुआ है। इसके बावजूद जो ऑनर है हैप्पी शिवाज सिंह, वो बार बार आ रहे हैं रूम में और बार बार रात को कभी कॉल कर रहे हैं, कभी किसी टाइम कॉल कर रहे हैं मेरे, और इतना परेशान कर रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, अभी मेरे 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुए, एंड ही वॉज लाइक कि मैम आप खाली कर दो, मैम आप खाली कर दो। मेरे को डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए बोला है 3 मंथ के लिए, जब तक ब्लड नहीं चढ़ जाता मैं अभी अप डाउन नहीं कर सकती, सिर्फ सुबह और शाम मेरे को वॉकिंग करने के लिए बोला है। मैं इतनी सारी मेडिसिन खा रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो ये सारी मेरी मेडिसिन, इतनी सारी मेडिसिन मेरे को चल रही है, इतनी सारी मेडिसिन है, अब बताओ अब ऐसे में मैं कैसे कैसे खाली करूँ, कैसे कैसे, कितना मुश्किल होगा। आप देख सकते हो कितनी सारी मेडिसिन है, आप ये देखो, आप इतनी सारी देखो, आप कितनी सारी मेडिसिन है मेरी, जो कि मुझे 1 सप्ताह से चल रही है, आप देख सकते हो। अब मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि अगर मेरे साथ अब कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी एक्सीडेंट करवाया जाता है, मैं बाहर जाती हूँ या डॉक्टर के पास जाती हूँ, या फिर किसी भी तरीके का हमला होता है, या फिर मेरी किडनैप कुछ भी करवाई जाती है, तो इसमें हैप्पी शिवाज सिंह का हाथ होगा, उनके लड़कों का हाथ होगा, आकाश जो कि इस केस में उसका नाम है, उसका होगा। और मैं ये सारी बातें इस वजह से करना चाहती हूँ क्योंकि इन लोग बार बार मेरे को धमकी दे रहे हैं और बार बार न्यूज़ वापस से बंद करवाने का मेरे को बोल रहे हैं। मैं कैसे बंद करवाऊँ, मैं क्यों बंद करवाऊँ, जो लोग मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं कि न्यूज़ बंद करवा दो ऐसे है वैसे है, उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि एक बात बताओ, अगर आपकी बेटी के साथ होता तो आप ये करते, आप गारंटी ले सकते हो कल का, मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरी काम है या फिर कुछ भी है, कल का आप वो मेरे साथ कुछ करवा देते हैं, मरवा देते हैं, तो आप क्या, आप मैं सारी न्यूज़ बंद करवा दूँ, मैं अपने साथ रिस्क ले लूँ, मैं अपना पैर सीधा कुल्हाड़ी पर मार दूँ और आप मेरी रिस्क ले सकते हो कि वो आगे से कुछ नहीं करवाएंगे, तो इनका क्या, आप बताओ, आप बोलो, तो फिर मेरे से क्यों बोल रहे हो कि आप न्यूज बंद करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। और इन लोगों का कहना है कि अब मतलब वो ऐसे कर लेगा, वैसे कर लेगा, क्या कर लेगा, क्या करेगा वो मेरे साथ, आप इनडायरेक्टली मेरे को ये बोलना चाहते हो मेरे साथ रेप करवा देगा और मेरे को किडनैप करवा, मतलब इनडायरेक्टली आपके कहने का मतलब क्या है कि वो आपके साथ कुछ भी करवा सकता है, का मतलब क्या है, क्या है, आप मेरे को बताओ जरा क्या है, वो क्या करवाएंगे मेरे साथ। मुझे भी डर नहीं लगता है, हम लोग सच बोलते हैं, जान दे सकते हैं लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मैं आफरीन नहीं हूँ, मैं मेरी रूममेट नहीं हूँ, साइनबाग की लड़की नहीं हूँ, कोई मेरे साथ अगर कुछ भी करेगा और मैं उसके पास गड्डी है, उसके साथ गड्डी में घूमने के लिए हमने कुछ ज़िंदगी में देखा नहीं, हम ये कर लेंगे, हमारी अपनी औकात है गड्डी में चलने की। मैं खुद रिपोर्टर हूँ, मैं अपने बल पे रखती हूँ, मैं खुद अपनी फैमिली को पैसे भेजती हूँ, तुम क्या जानोगे मेरे बारे में, तुम क्या जानोगे मेरे बारे में। हम लोग अपनी औकात पे जीते हैं, हम लोग नमक रोटी खाते हैं लेकिन अपने पैसे के खाते हैं, किसी बॉयफ्रेंड या किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, किसी के साथ इज्जत बेच के नहीं।